हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हमें जानना है, हम बात करेंगे HFM सेंसर के बारे में। HFM सेंसर या फिर आप इसे कह सकते हैं एयर मास फ्लो सेंसर, ये हर CRDI गाड़ी में ज़रूर होगा क्योंकि ये सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ECU तक पहुंचाता है। इस सेंसर का जो बेसिकली काम है वो यही है कि इंजन में घुसने वाली हवा को ये मेजर करता है। ये जो सामने आप फोटो देख रहे हो उसी सेंसर की है, एयर मास फ्लो सेंसर या HFM सेंसर। तो इंजन में जाने वाली हवा को ये मेजर करता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन ये ECU को अच्छे से बताता है कि कितनी हवा जो है आपके इंजन में पहुंच रही है। तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है एयर और फ्यूल का, इंजन में जो हवा जाती है या जो डीजल जाता है इन दोनों का एक मिश्रण बनता है इंजन के अंदर, तो उसका एक रेशियो होता है स्टैंडर्ड का, इनके मिक्सचर का वो रेशियो होता है 14:1, यानी 14 दाने अगर हवा के होंगे तो एक दाना फिर डीजल का होगा। डीजल इंजन की यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो 14 दाने अगर हवा के हैं तो एक दाना जो है वो फिर डीजल का है। तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए ये जानकारी होना ECU के पास बहुत ज़रूरी है कि कितनी हवा गई। अब अगर मान लो कि 14 ग्राम हवा गई इंजन के अंदर, तो वो फिर 1 ग्राम डीजल जो है फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट कराएगा। लेकिन इस दौरान जो हमारा ECU है वो और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा ऑक्सीजन सेंसर से भी। ऑक्सीजन सेंसर का एक अपना बहुत ही अहम रोल होता है। तो कितना डीजल इंजेक्ट होना चाहिए इंजन के अंदर ये डिपेंड करता है आपके एयर मास फ्लो सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग पे, जो कि ECU को जाती है। जब ECU इन दोनों से रीडिंग लेता है तभी आगे सिग्नल जो है इंजेक्टर की तरफ देता है और इंजेक्टर जो है फिर आगे इंजन के अंदर डीजल सप्लाई करता है उसी हिसाब से। तो ऑक्सीजन सेंसर के बारे में अगर आपको जानना है तो उस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है हमारी ऑक्सीजन सेंसर की, लेमडा सेंसर भी कहते हैं उसे, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी केवल एयर मास फ्लो सेंसर की। तो एयर मास फ्लो सेंसर इसी तरीके से दिखता है। लगा कहाँ होता है? लगा ये होता है हमारे एयर फिल्टर के जस्ट पीछे, यहाँ पे ये एयर मास फ्लो सेंसर लगा हुआ है। तो एयर मास फ्लो सेंसर एयर फिल्टर के पीछे लगा होता है, हो सकता है शुरू में ही लगाओ, हो सकता है इस पाइप के एंड में लगाओ, लेकिन लगा वो एयर फिल्टर के बाद ही होगा ताकि जो सामने से हवा आ रही है वो हवा जो है साफ़ होकर के हमारे एयर मास सेंसर को मिले और हमारा जो एयर मास फ्लो का जो सेंसर है वो ख़राब ना हो। तो इस वजह से एयर फिल्टर के वो पीछे लगा रहता है। तो एयर मास फ्लो सेंसर के अंदर क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मेन चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है, अगर ये काम करना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है, तो उस समय क्या होता है? क्योंकि ECU को पता ही नहीं लगेगा कि कितनी हवा इंजन के अंदर जा रही है, तो हो सकता है कि गाड़ी में पिकअप जो है सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो पिकअप लो की आती है। तो गाड़ी का जो पिकअप है पहले नंबर पे पिकअप जो है वो डाउन हो जाता है बिल्कुल ही। अगर पूरा ही चोक हो जाता है हमारा एयर मास फ्लो सेंसर तो हो सकता है गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो ही ना, या फिर तीसरी चीज़ ये आ सकती है कि गाड़ी जो है वो हमारी लेट स्टार्ट हो। तो ये सारी बातें इस दौरान आ जाती हैं कि गाड़ी जो है या तो लेट स्टार्ट होगी या स्टार्ट ही नहीं होगी या फिर पिकअप लो हो जाएगा। तो इसके कारण ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। और ज़्यादातर फिर क्या होता है कि चेकअप के दौरान पंप और इंजेक्टर पे ही ज़्यादातर सबका डाउट जाता है कि पंप या इंजेक्टर में ही कमी है। रिपेयर करा के देख लिया फिर भी जो है कहते हैं कि जी नए नए डालो, दूसरे लगाओ, दूसरा कोई सेट लगाओ, दूसरी गाड़ी का सेट लगाओ। उससे क्या है कि तब जब सब कुछ लग जाएगा दूसरी गाड़ी का तो हमें पता लगेगा कि भैया दिक्कत इसकी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको पहले देख लेना चाहिए, एयर मास फ्लो सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर। तो खैर लगा वो यही होता है, या तो शुरू में लगा हुआ या पीछे लगा हुआ, तो ये दिक्कतें इसके कारण आ जाती हैं ख़राब होने से। अब हम देखेंगे कि ये इसके अंदर सामान कौन सा, क्या सामान लगा होता है। ये सॉकेट है एयर मास फ्लो सेंसर का, ये इसकी माइक्रो कंट्रोलर चिप है और यहाँ पे ये इसका मेन एलिमेंट है। अपने आप में ही बहुत स्मार्ट सेंसर है, इसकी खुद की एक चिप होती है और ये चिप जो है
सारा चीज़ परख करके, सारी चीज़ें परख करके, सारी कंडीशंस को देख करके एक सिग्नल जनरेट करती है, और वो सिग्नल हमारे ईसीयू तक पहुंचता है। ये सिग्नल मैक्सिमम 5 वोल्ट्स का होगा, हालांकि 5 वोल्ट तक जाता नहीं है, 4.8 4.9 तक रीच करे आए, बट 5 वोल्ट तक सिग्नल ये जाता नहीं है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर, यहाँ पे आपको जो दो वायर दिख रही है इसमें देखते हैं और किस तरीके से वर्किंग होती है और क्या वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। यहाँ पे ये आपको हॉट वायर्स दिख रही हैं और साथ में दो रजिस्टर हैं। अभी क्या है, रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इन रजिस्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही रजिस्टेंस घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। ये इन रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टी है। अभी ये रेजिस्टर्स काम क्या करते हैं, एक रेजिस्टर तो लगा हुआ है हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर का, अंदर आने वाली हवा का टेम्परेचर नापेगा, और दूसरा रेजिस्टर क्या है, ये हीटर की तरह काम करेगा, यहाँ पे हीटर का काम करेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ईसीयू यहाँ पे लगा हुआ है, ये ईसीयू लगा हुआ है आपका, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे जो हॉट वायर्स हैं इनका टेम्परेचर कांस्टेंट जो है मेंटेन करना है। सामने से हवा आती है, हवा इसके अंदर जाती है और इनका तापमान जो है वो नीचे गिर जाता है, टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरे आता है। ये टेम्परेचर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर ईसीयू को बताता है कि जी इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे हो चुका है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर गिरता है तो रेजिस्टेंस भी नीचे गिरता है। अब रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस यानी इसके अंदर से जो बहने वाला जो करंट है, इन वायर्स के बीच में जो बहने वाला करंट है उसको रोकने की क्षमता। तो रोकने की क्षमता जब गिर आती है तो करंट जो है वो ज़्यादा बहने लगेगा। तो जब करंट ज़्यादा बहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो हीट रजिस्टर लगा हुआ है, तो जब करंट ज़्यादा बहेगा तो उसका जो काम है वो अपना काम करना चालू करेगा, और यहाँ पे जो है हॉट वायर्स को दोबारा उसी टेम्परेचर पे लेकर के आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे वो थे, तो दोबारा से वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सामने से हवा आई, इनका टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर इसने बता दिया ईसीयू को, और दोबारा से टेम्परेचर जब वो मेंटेन करते हैं दोबारा उसी लेवल पे, पहले तो नीचे गिरा और दोबारा से फिर जब मेंटेन हुआ, क्यों मेंटेन हुआ, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो हुआ और हीटर ने जो है उसको जो है हीट करके दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन किया हॉट वायर्स का। तो जो इसकी चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप है यहाँ पे ये जो चिप है, ये सारी इन चीज़ों को परख करके कि कितना करंट लगा, कितने करंट की ज़रूरत पड़ी दोबारा से इन वायर्स का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसी टेम्परेचर पे, तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को ये एक वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करके ईसीयू को ट्रांसफ़र कर देगा, ये जो माइक्रोचिप है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कि इसने तो आप वोल्टेज के रूप में आगे दे दिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन गई। तो क्योंकि जब वोल्टेज यहाँ पे मान लो कि उसने जो सिग्नल दिया वो 1.28 वोल्ट का है, तो उसका मतलब ये है कि 10 किलो पर आर जो है एयर बह रही है, एयर मास फ्लो में से। और उसी तरीके से अगर 4.82 वोल्ट्स वो जनरेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 800 किलो पर आर वो एयर मास जो है फ्लो हो रहा है सेंसर में से। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज वो डेवलप करेगा, वोल्टेज वो तभी ज़्यादा डेवलप करेगा, ये जो हमारा यहाँ पे जो माइक्रोचिप है वो ज़्यादा वोल्टेज का सिग्नल तभी डेवलप करेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा हवा बह रही होगी अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वायर ठंडी हो रही होंगी, और जितनी ये वायर ठंडी होंगी उतना ही ज़्यादा फिर करंट यहाँ बहेगा, ज़्यादा तापमान ये हीटर जो है फिर उसको यूज़ करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, और उसी जितना ज़्यादा वो करंट का यूज़ करेगा उतना ही बड़ा वोल्टेज सिग्नल जो है हमारा माइक्रोचिप वो डेवलप करेगा और ईसीयू को आगे देगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये चार्ट यहाँ पे ये कैसे निकला। तो ये चार्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंट कर करके जो है कंपनीज बनाती हैं,
फिर उसके हिसाब से पूरा हर एक पर्टिकुलर वोल्टेज सिग्नल पे वो नापती है कि कितना एयर मास फ्लो हो रहा है, और फिर ये वैल्यूज जो हैं ईसीयू के अंदर जो है फीड कर दी जाती हैं। तो ईसीयू को जब सिग्नल मिलता है कि 3.51 वोल्ट्स का सिग्नल मिला, तो वो सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा कि भैया 250 किलो पर आर हवा बह रही है, तो इतना मेरे को फ्यूल इंजेक्ट कराना है। कि 14:1 का जो हमारा रेशियो एयर बाय फ्यूल का, 14:1 का वो मेंटेन हो सके। तो उससे क्या है, सबसे अच्छी पावर, धुआं भी नहीं और बिल्कुल भी इंजन में वाइब्रेशन नहीं रहेगा, ऑप्टिमम फ्यूल और फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा एयर मास फ्लो सेंसर काम करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि एयर मास फ्लो सेंसर होता क्या है, कहाँ लगा रहता है, ख़राब होने से क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।